उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का नया मामला सामने आया है, जहां सोशल साइट इंस्टाग्राम पर एक मुस्लिम युवक ने राजेश नाम से अकाउंट बनाकर हिंदू महिला को अपने प्यार में फंसा लिया। गुजरात के सूरत की रहने वाली ये महिला दो बच्चों की मां है, जो कुछ दिन पहले घर से भागकर प्रेमी के पास आ गई थी। इस मामले में शामली पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए महिला को बरामद किया है, जबकि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये जलालाबाद का एक लड़का है, इसका नाम जुनैद है। इसके द्वारा जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई गई थी, जो हिंदू नाम से बनाई गई थी। इसी के उसके इसने ऑनलाइन जो है वो गुजरात में एक रहने वाली महिला, जो दो बच्चों की माँ भी है, शादीशुदा है, उसके द्वारा जो है वो बातचीत स्टार्ट करी गई। इसके बाद जो है इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ, उसी के चलते वो महिला जो है वो गुजरात से इसके साथ यहाँ आ गई। हमें जो है परिजन, जैसे ही परिजनों को जानकारी हुई, उनको बताया गया, उनको बुलाया गया यहाँ पे, परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई है, उस आधार पे हमने मुकदमा इस लड़के के खिलाफ किया गया है। अभी फिलहाल अभियुक्त हमारी हिरासत में है और जेल भेजा जा चुका है। अग्रिम कार्रवाई जो है वो शीघ्र सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये मामला शामली जिले के कस्बा जलालाबाद से जुड़ा है। जलालाबाद निवासी जुनैद गाजीबाद के लोनी में सैलून पर काम करता है। उसने इंस्टाग्राम पर राजेश नाम से अपना अकाउंट बना रखा है। आरोप है कि इस दौरान गुजरात के सूरत की रहने वाले एक हिंदू महिला को उसने सोशल साइट पर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। प्रेम में अपने होश खोकर दो बच्चों की मां बीते शनिवार को सूरत से लोनी आ गई थी, जहां से जुनैद उर्फ राजेश महिला को अपने घर जलालाबाद ले आया था। परिवार ने इसका विरोध किया, लेकिन महिला के प्यार में पागल जुनैद नहीं माना। इस बात से नाराज होकर अगले ही दिन रविवार को जुनैद के पिता जानी ने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी थी। हालांकि बाद में विश्व हिंदू परिषद के नेता थाने पहुंचे और पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। इस पर शामली के थाना भवन पुलिस ने जुनैद उर्फ राजेश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने महिला को बरामद कर परिजनों को उसके शामली में होने की जानकारी दे दी। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी महिला से बातचीत हुई है। महिला ने बताया है कि जुनैद ने राजेश बनकर इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती की थी, उसने मुस्लिम होने की बात उससे छुपाई थी। ये हमारे जिलाध्यक्ष जी जो है विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने हमें सूचना दी कि ऐसा ऐसा मामला तुम्हारे क्षेत्र में है और इसको देखो क्या मामला है, संज्ञान लो उसका। हिंदू नाम इसने अपना हिंदू नाम रख रखा था लड़के ने, और जी हिंदू नाम रख के इस लड़की को पहले क्या हिंदू नाम क्या रख रखा था? राजेश नाम रखा था। अच्छा, तो इस लड़के ने इंस्टाग्राम पे संपर्क किया इससे, तो फिर इसको गुजरात से दिल्ली बुलाई और फिर ये लड़का इसको जलालाबाद ले गया। शामली पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी जुनैद को जेल भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की गई है। महिला के परिजन आ रहे हैं, यदि वो कोई और तहरीर देते हैं तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जुनैद के पिता जानी का कहना है कि उसने जुनैद को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वो महिला को साथ रखने की जिद पर अड़ा रहा, जिसके बाद उसने खुद मामले की शिकायत पुलिस में की थी। पिता का कहना है कि जुनैद की उम्र करीब 17 वर्ष है, जबकि उसके आधार कार्ड पर दर्ज तिथि के हिसाब से वो 20 वर्ष का बालिग है। थाना भवन पुलिस आधार कार्ड की भी जाँच कर रही है। वहीं हिंदू संगठन जुनैद उर्फ राजेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और हिंदू संगठन के नेताओं के बयान में विरोधाभास दिख रहा है। पुलिस महिला को दो बच्चों की मां बता रही है, तो हिंदू संगठन उसे युवती बताकर लव जिहाद का मामला कह रहे हैं। हालांकि इस मामले में महिला का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। पुलिस ने फिलहाल महिला को उसके परिजनों के आने तक हिंदू संगठनों को सौंप दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।